नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने प्लांट रखे हुए हैं, ये पेरेनियल है। इसको फर्स्ट लव कहते हैं। इसके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर आते हैं। इसको आप एक बार लगा लोगे तो ये काफ़ी सालों तक, वर्षों तक आपके साथ रहेगा और फ्लावर देते रहेगा। तो इसे मैंने लाकर रखी हुई थी लगाने के लिए, लेकिन बीच में समय जाड़े के सीजनल फ्लावर्स के आ गए तो मैं इसे लगा नहीं पाई। आज मैंने सोचा है कि चलो मैं इसको लगा ही लेती हूँ, क्योंकि इसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है, तो इसे आज लगा लेते हैं। साथ में आपसे इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप भी, आपको इस लगा करके आप अपने बगीचे में इसको जगह दे सकते हो। दोस्तों, इसमें बात करनी होगी तो सबसे पहले तो इसकी मैं पॉलिथीन हटा लूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें सॉयल जो आपको रखनी है, वो सॉयल आपको, आप देख रहे होंगे मैंने इसमें अपने पत्ते वाली सॉयल को भी डाली हुई है। पत्ते वगैरह जो होते हैं उससे भी मैं जो बनाती हूँ फर्टिलाइजर, उसको भी मैं अपने सॉइल में मिला लेती हूँ। मैं इस बात का जिक्र करते रहती हूँ आपसे, गमले में जब भी किसी प्लांट को लगाना है तो 50% आपको इसमें रेत मिलाना है। रेत को आप सैंड के नाम से भी समझ सकते हो, क्योंकि आपकी ड्रेनेज अच्छी हो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही इसमें 50% सैंड के बाद 50% में आपको सॉयल डालने हैं, खेत के सॉयल, काऊ डंग डालने हैं। थोड़ी सी मुट्ठी भर आप इसमें बोन मील भी मिला दे सकते हो तो भी इसके लिए अच्छा रहेगा। और इस तरह से इसकी सॉयल जो है काफ़ी सॉफ्ट बन जाएगी, जिससे कि पानी इसमें रुकेंगे नहीं। साथ ही इसकी धूप की बात करें करनी है और इसके बारे में चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले मैं पॉलीथीन बाहर निकाल लेती हूँ। इसके पॉलीथीन को मैंने निकाल लिए हैं। ये देखो, इतने दिन इसमें रहते रहते इसकी हालत ऐसी हो गई है। रूट इसके इस तरफ से दिखाई दे रहे हैं और इसको अब लगा देने हैं। रूट बॉल को इसको छुएंगे नहीं हम लोग, कुछ तोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लगा देंगे। इसमें फ्लावर्स भी आने जा रहे हैं और इतने दिनों तक ये पॉलीथीन में मेरे घर में पड़ा रह गया। दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट है। ये फ्लावर तभी अच्छा देगा जब आप इसमें इसको धूप धूप में रखोगे। फ्लावरिंग प्लांट जो भी होते हैं उन्हें धूप की आवश्यकता होती है। इसकी चर्चा मैं आप लोगों से बार बार करते रहती हूँ कि धूप में आप रखें। अगर ज़्यादा देर तक इसको ठंड में रखोगे तो इसके फ्लावर्स या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे भी तो बहुत क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी क्वालिटी के फ्लावर आएँ और काफ़ी मात्रा में आएँ, काफ़ी संख्या में आएँ कहो तो, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप फ्लावरिंग वाले प्लांट को धूप में रखें। साथ ही इसकी सॉयल तो मैंने पहले ही चर्चा की है आपसे कि ड्रेनेज अच्छी हो, ऐसी सॉयल रखें आप। इसमें फर्टिलाइज़र के जगह में आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हो। इसमें कुछ कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं तो उस हालत में इसमें नीम ऑयल की छिड़काव आप करते रहें ताकि इसका बचाव हो सके। और बाद में इसको जब फर्टिलाइज़र आपको देनी है तो आप एनपीके की 10-10-10 वाली फर्टिलाइज़र इसमें दिया करें। साथ ही पानी की बात करते हो तो पानी देनी है, पानी तो चाहिए, लेकिन आपको अपनी समझदारी से इसमें पानी देनी होगी। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसके रूट खराब हो जाएंगे तो इसका ध्यान आपको रखने होंगे। थोड़ी सी मिट्टी मुझे और चाहिए, थोड़ी सी कम लग रही है। गमले में जब मिट्टी डालें तो थोड़े से जगह ऊपर में खाली रहने दें पानी के लिए,
अगर आप यहाँ तक पूरी तक मिट्टी भर दोगे, यहाँ तक भर दोगे, तो फिर पानी का दिक्कत हो जाएगा पानी रखने में। और पौधे लगाने के बाद इसको हल्की हाथ से बगल बगल से दबा दें। साथ ही जब पौधे को लगाएं तो पहली बार अच्छी तरह से इसमें पानी दे दें। और लगाने के बाद पौधे थोड़े घबराए रहते हैं नए जगह में, मैं बार बार चर्चा करती रहती हूँ आप लोगों से, तो आप इसको पहले ठंडी जगह में रखें, एक दिन के बाद इसको धूप में ले जाएं। अब पहली बार जब पौधे को लगाएं तो अच्छी तरह से पानी दें, ताकि इसके जो एयर पॉकेट्स नीचे बने होंगे वो निकल जाएं। तो दोस्तों, इस प्लांट के साथ ही मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और मैंने ब्लॉग पर बहुत सारे प्लांट के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी हैं, आप चाहें तो वहाँ भी जाकर इसको देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगी। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, अपने जगह पर कुछ नए पत्ते दे दें, इसके बाद भी ही आप उसमें फर्टिलाइज़र दें। अभी इसको तत्काल में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, इसमें काऊ डंग डाली हुई है, इसी से इनकी काम चलेगी। तो मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।